मैं प्राथमिक विद्यालय पोडलोंग का सहायक शिक्षक हूँ। 8 मार्च को मैं प्राथमिक विद्यालय पोडलोंग में फिर से योगदान किया और तब से स्कूल चल रहा है। पिछले ये स्कूल 22 तारीख से बंद था जनवरी से, वो तो मुझे मालूम नहीं है, मैं 8 तारीख से ज्वाइन किया। बच्चे अभी बहुत कम नजर आ रहे हैं। हाँ तो बच्चे बिल्कुल स्कूल बंद होने के कारण बच्चे इधर उधर हो गए, इसलिए कम आ रहा है। इतना बुलाने के बाद इतना आ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है बच्चा सब। आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? 52। तो कितना क्लास तक है? 5। तो 5 क्लास तक पढ़ाने में कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत हो रही है, अकेले होने के कारण सभी क्या होता है, कुछ भाषा प्रॉब्लम होता है, इसको इधर उधर जाने से, ऑफिस कहीं मीटिंग जाने से स्कूल बंद हो जाती है, इसलिए दिक्कत तो है। तो यहाँ पर पारा टीचर का व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? पहले यहाँ पे हमारे 2 टीचर थे, इसलिए पोस्ट नहीं था। अब एक टीचर रिटायर हो गए हैं, तो अब तो आवश्यकता हो रही है, इसलिए नहीं पा रहे। आप क्या चाहते हैं? एक मिले पारा टीचर हो तो ज्यादा अच्छा हो। इस विद्यालय के छात्र छात्राओं एवं शिक्षक का अनुपात 30:1 के हिसाब से देखा जाए तो 2 शिक्षक होना चाहिए, मगर एक ही शिक्षक होने के कारण यहाँ के मेरे आदिवासी छात्र छात्राओं के पठन पठन कार्यक्रम पर सीधा असर हो रहा है। अतः आप सभी दर्शक भाइयों एवं बुद्धिजीवियों समाज सेवियों से मैं अपील करता हूँ कि जिला शिक्षा अधीक्षक वीणा कुमारी का मोबाइल नंबर 9835130584 पर कॉल करके दबाव बनाए ताकि यहाँ पर और एक शिक्षक का बहाल किया जाए, ताकि यहाँ पर पठन पठन कार्यक्रम सुचारू रूप से चले। मैं कमल पश्चिम सिंहभूम झारखंड से इंडिया अनहर्ड के लिए।